राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली की सीएम अतिशी का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण रोधी उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 99 टीमें बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में धूल नियंत्रण उपाय कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने पूसा परिसर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। झारखंड चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य पुलिस ने करीमगंज जिले में एक कथित बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़कर बांग्लादेश के अधिकारियों के हवाले कर दिया। मौसम में बदलाव होते ही वायु प्रदूषण ने एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति गर्मा दी है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े के अनुसार दिल्ली में सुबह 9:24 का औसत AQI 265 रहा। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में CRPF स्कूल के पास रविवार सुबह एक जोरदार धमाका हुआ। शुरुआत में इस धमाके को मामूली समझा जा रहा था, लेकिन एक के बाद एक जांच एजेंसियों के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद मामले की गंभीरता बढ़ती दिख रही है। फिलहाल NSG दिल्ली पुलिस FSL टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक मालवाहक वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में श्रमिक 4 मंजिला मकान में आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों ने राज्य सरकार पर उनकी मांगों के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाते हुए रात से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। पड़ोसी देश बांग्लादेश से पूर्व PM शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए हुए 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन वहां की अंतरिम सरकार अभी तक दीर्घकालिक प्रशासन का कोई रोडमैप नहीं दे पाई है। ये पहाड़गंज है, नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का करोलबाग जोन स्थित एरिया। यहां की सांसद बांसुरी स्वराज जहां है, वहीं आम आदमी पार्टी से विशेष रवि विधायक है। पहाड़गंज क्षेत्र के निगम पार्षद भाजपा के मनीष चड्ढा है। MP एवं निगम पार्षद जहां भाजपा की हैं, वहीं विधायक विशेष रवि आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहाड़गंज क्षेत्र के व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर इस कदर परेशान हैं कि उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि वे अतिक्रमण एवं ट्रैफिक जाम की समस्या के साथ पार्किंग के मुद्दे का समाधान कैसे करें। इस संदर्भ में नेशनल TV चैनल सर्वधर्म संगम के दिल्ली स्टेट न्यूज हेड ललित सुमन एवं उनकी टीम ने पहाड़गंज टिम्बर एवं प्लाईवुड एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र कुमार गुप्ता एवं उप प्रधान सुमेश गोयल, महासचिव विशु गुप्ता एवं युवा व्यापारी अखिल गुप्ता से इन समस्याओं पर बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अभी बात करेंगे पहाड़गंज के प्रधान नरेंद्र कुमार जी से। नरेंद्र कुमार जी करीब 26 वर्षों से इस मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं और इन्होंने अपने मार्केट के विकास के लिए और मार्केट की समस्याओं को जगह जगह बेवाक रूप से रखा है। नरेंद्र जी आपका नेशनल TV चैनल सर्वधर्म संगम पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद नरेंद्र जी। ये बताइए जो आप इस एसोसिएशन से कब जुड़े। मैं इसका मेंबर था 1982 में जी, और 98 में मैं इसका प्रेसिडेंट बना सीधा जी। इसके बीच में कुछ नहीं बना। अब तक 2024 तक आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया है और एसोसिएशन को आप काफ़ी आगे लेकर के गए हैं और यहाँ की समस्याओं को आपने काफ़ी उजागर किया है। तो उन समस्याओं में मूल रूप से इस मार्केट की क्या समस्या है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो इस मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है और जिसके कारण हमारा व्यापार डिसेंट्रलाइज हो गया है। यहाँ से कीर्तिनगर, मुंडका, नांगलोई और जहाँ जहाँ भी कॉलोनी में हैं छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं वो हमसे ऊपर चले गए हैं।
तो यहाँ पहाड़गंज में प्लाईवुड का व्यापार तो तकरीबन खत्म ही हो गया। तो इसका मूल कारण आपकी नज़र में अतिक्रमण है? अतिक्रमण है, पार्किंग है, पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग के लिए हमने सन 2000 में एक केस डाला था PIL, तो उसके उस समय पहाड़गंज थाने के सामने झुग्गियाँ पड़ी हुई थी। अभी वहाँ पे RG कॉम्प्लेक्स खुला हुआ है, कम से कम DDA ने 40 से 45 प्लॉट बेचे हैं केस के चलते चलते। और हमारे वकील ने इस बारे में इतराज़ भी उठाया कि भाई आप कह रहे हो हमारे पास जगह नहीं है, ये प्लॉट आपने कैसे बेच दिए। तो आदरणीय हाईकोर्ट ने इस पर DDA पर कुल 5000 रुपये जुर्माना लगाया और हमारा केस आखिर में खारिज हो गया। उसकी कुछ वजह हमारे व्यापारी भी रहे और हमें प्लॉट नंबर 5 पर 2 लेवल की पार्किंग दी गई। वो प्लॉट नंबर 5 आज तक नहीं बिक पाया, जिसका केवल एक ही कारण है कि उसमें 2 लेवल की पार्किंग अलॉट है एसोसिएशन। प्लॉट ही नहीं बिक पा रहा है, वो प्लॉट ही कोई नहीं खरीद रहा क्योंकि उसमें नुकसान ही नुकसान है। अब आप समझ सकते हैं जो किस प्रकार से सबसे बड़ा प्लाईवुड का मार्केट पहाड़गंज आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि यहाँ ग्राहक आने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि सड़कों पर अतिक्रमण इतना ज़्यादा हो चुका है कि ट्रैफिक की समस्या हमेशा बनी रहती है। साथ ही जब आप पहाड़गंज के देश बंधु गुप्ता रोड में आएंगे तो यहाँ कहीं कट नहीं है जो राइट से लेफ्ट की ओर या लेफ्ट से राइट की ओर व्यापारी आ जा सके या ग्राहक एक दुकान से दूसरी दुकान पर जा सके। इस संदर्भ में हम प्रधान नरेंद्र जी से बात करेंगे जो यह क्या समस्या है। ये कट तो एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे को पहाड़गंज में घुसने के बाद, पहाड़गंज में आने के बाद यू टर्न लेने में कम से कम आधा घंटा लगता है। मैं अजमेरी गेट से लेके आता हूँ यू टर्न, आधा घंटा लगता है, पुलिस का सामना करना पड़ता है। ग्राहकों के लिए पार्किंग की तो कोई जगह ही नहीं है, ग्राहकों के लिए तो बाद में होगी, दुकानदारों की गाड़ियों की, अपनी गाड़ियों की पार्किंग की कोई जगह नहीं है। RG कॉम्प्लेक्स में जब DDA ने ये दावा ठोका कि भाई हमारे पास जगह नहीं है और ये बहुत कंजेस्टेड रोड है, तो एक बिल्डिंग, मैं कहता हूँ एक बिल्डिंग 2500 गज की जो उन्होंने बेची 40 से 50 करोड़ रुपये की बेची, तो उसके अंदर कम से कम 200 व्हीकल जरूर आएंगे एक बिल्डिंग में। और वहाँ बिल्डिंग है 40 और एक 5-star होटल है, 9 होटल अभी शुरू होने वाला है। जब इतना कंजेस्टेड रोड है कि जिसपे पैदल चलने की जगह नहीं है, तो आप इसको क्यों बेच रहे हैं? कारण क्या है? 500 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया ये कह के कि एसोसिएशन ने दावा किया है कि भाई हमें ये जगह चाहिए पार्किंग के लिए, और मंदिर को गिरा दिया इन्होंने। अच्छा, एसोसिएशन के नाम पे मंदिर गिरा दिया, लेकिन एसोसिएशन को जगह आज तक नहीं थी, पार्किंग की कोई जगह नहीं है। पार्किंग की, लोडिंग की, अनलोडिंग की हद से ज़्यादा समस्या है यहाँ। नरेंद्र जी, आपके क्षेत्र में चूँकि आपके बगल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है और पहाड़गंज एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, तो इस मार्केट में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति? लॉ एंड ऑर्डर छुटपुट, मैं कहूँ छोटे लेवल के तो होते रहते हैं यहाँ पे, जैसे मोबाइल निकाल लिया जेब से या गाड़ी से लैपटॉप चोरी कर लिया, इस टाइप के तो होते हैं। यातायात पुलिस की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र? यातायात पुलिस तो बिल्कुल पंगू हो गई है, पंगू, वो कुछ कर ही नहीं सकती। इतना बेतरतीब ट्रैफिक है हमारे यहाँ, जो आपने कहीं ना देखा हो वो पहाड़गंज में देख लो। तांगा क्या, बैलगाड़ी क्या, टेम्पू क्या, ट्रक क्या, क्या चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आपसे एक सवाल यह पूछा जाए जो MCD की स्थिति आपके क्षेत्र में क्या है, तो आपका क्या कहना? मेरा कहना तो सीधा है कि MCD हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमारी मार्केट में किसी भी टाइप मेरे को नहीं लगता कि झाड़ू लगती है। झाड़ू लगाता है वो, तो वो ये जो हमारे पौधे लगे हुए हैं पहाड़गंज वालों ने, जो पौधे लगाए हैं हमारी एसोसिएशन ने, उसके अंदर अपना कूड़ा इकट्ठा करके उसमें डाल देता है, तो वो तो और भी बुरा हाल है। MCD के लिए भी एक जनप्रतिनिधि होता है जिसे निगम पार्षद कहा जाता है,
तो निगम पार्षद द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कोई कदम नहीं उठाए जाते? इसी प्रकार विधायक के भी कोई सब के मुद्दे पर भी नहीं? विधायक पे मैं जरूर बोलूँगा, विधायक हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बल्कि हम उनको CM देखना चाहेंगे। विशेष रवि हमारे विधायक है आप पार्टी के, मैं आप पार्टी का नहीं हूँ, मैं BJP का हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ मैं BJP का हूँ, लेकिन हमारे विधायक बहुत ही अच्छे आदमी हैं और भगवान उनको लंबी उम्र दे। विशेष रवि में आखिर ऐसी क्या विशेषता आपने देख लिया जो आप इस प्रकार से भाजपाई होने के साथ भी आप कह रहे हैं विशेष रवि की लंबी आयु? पर्सनल, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। नरेंद्र जी, आप बड़े अच्छे शायरी करते हैं और शेर भी बोलते हैं, सुना है इसकी बड़ी चर्चा है, आप जरा एक दो शेर? आप अभी से मेरे बारे में कोई राय कायम मत करो, क्योंकि पेड़ जितने ऊंचे होते हैं उनका साया उतना ही कम होता है। और एक बात बता दूं, मेहरबा होके बुला लो जब चाहे जिस वक्त, मेहरबा होके बुला लो चाहे जब जिस वक्त, मैं कोई गया वक्त भी नहीं जो आना सकूं, मैं कोई गया वक्त भी नहीं जो आना सकूं। धन्यवाद नरेंद्र जी, ये थे नरेंद्र कुमार पहाड़गंज एसोसिएशन के प्रधान, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। आप अन खबरों के लिए बने रहें नेशनल TV चैनल सरदार संगम पर। और मेरे यहाँ पे एक प्लाईवुड की दुकान है जो कि तकरीबन मैं यहाँ पे सन 80 से काम कर रहा हूँ, मुझे इस लाइन में 44 साल हो गए। जब हमने काम किया था पूरी दिल्ली के ग्राहक हमारे बाजार में प्लाईवुड लकड़ और ये चीज़ें लेने आया करते, लेकिन अब यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या है, एनक्रोचमेंट है और मतलब इस तरह की जो समस्याएं हैं उस कारण से बाहर का व्यापारी आना पसंद नहीं करता, क्योंकि गाड़ी की तो बात दूर, यहाँ पे 2-व्हीलर निकलना मुश्किल हो जाता है रोड के ऊपर से, तो और यहाँ पे जो है अनऑथराइज ई रिक्शा और 3-व्हीलर इतने खड़े होते हैं। तो क्या लगता है 3-व्हीलर जो यहाँ पे इतनी संख्या में बढ़ गए हैं कुछ सालों में, उससे क्या कारण है और क्यों इतने बढ़ गए हैं? ऐसा है जी, उसके कुछ कारण तो हम खुद व्यापारी ही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ प्लास्टिक के व्यापारी हैं या और दूसरे इस तरह के व्यापारी हैं, ये जो 3-व्हीलर है ये उनका माल लोड करके लेके जाते हैं, मतलब कि ये वो 3-व्हीलर नहीं है जो सवारी लेके चलते हो। मेरा नाम विशु गुप्ता है जी, मैं करीब करीब 17-18 साल से पहाड़गंज प्लाईवुड एंड टिम्बर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आपको मार्केट में अभी के समय में हाँ, क्या समस्याएं आ रही हैं और किस कारण से आप लोगों का मार्केट कम होता जा रहा है? नहीं देखिए, मार्केट में समस्याएं अभी से नहीं आ रही, मार्केट की समस्याएं काफ़ी सालों से चल रही हैं, जिसे कहते हैं ना लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो हैं हमारी यहाँ पे। और व्यापार कम इसलिए होता जा रहा है क्योंकि ये जो यहाँ का माहौल है ना वो एंटी व्यापारी है, तो व्यापार के फेवर में ही नहीं है। हमारे एरिया में कोई ऑथराइज पार्किंग है ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसमें ट्रैफिक पुलिस मोटा मोटी हमारे को दिन में 11 बजे से शाम के 5 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग अलाउ करती है। शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक मोटा मोटी कमर्शियल व्हीकल्स का नो मूवमेंट होता है, ऐसे ही सवेरे 6-7 बजे से, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ द कमर्शियल व्हीकल, सवेरे 6 बजे से 11 बजे तक नो एंट्री होती है। तो अगर वो उस हिसाब से हमारे को लोडिंग अनलोडिंग अलाउड थी 11 बजे से 5 बजे तक, तो बड़े आराम से लोडिंग अनलोडिंग हो जाती थी, गाड़ियाँ भी पार्क हो जाती थी, किसी का कस्टमर आ रहा हो वो ऐसे ही अपनी गाड़ी भी खड़ी करा लेता था। और सड़क को भी 2.5 लेन के करीब आप समझ लीजिए या 3 लेन के समझ लीजिए क्लियर मिलता था मूवमेंट के। अब ये जो सिस्टम बन गया है इसकी वजह से आपने देखो दुनिया जहान में तो टूटा पड़ा है, यहाँ से अगर वहाँ तक जाएंगे दोनों तरफ बना दिया है जो सिस्टम, उसमें कम से कम 8-9 फुट जगह तो ये वेस्ट हो गई, तो ना तो ये लोडिंग अनलोडिंग के काम में आ रही ना पार्किंग में आ रही। और अब आप देखिए जो भी लोडिंग अनलोडिंग हो रही है सड़क पर हो रही है, पार्किंग सारी सड़क पे हो रही है, तो आप ट्रैफिक का हाल देख लीजिए, ये हालत है ट्रैफिक की कि ट्रैफिक चल नहीं पाता यहाँ, और ट्रैफिक के ना चलने से इतना कंजेशन है कि ग्राहक वैसे ही नहीं आना चाहता, अरे पहाड़गंज कौन जाएगा इतनी भीड़ है क्या करना है जा करके, तो वैसे नहीं जाता। दूसरी बात पार्किंग नहीं है, ऑथराइज्ड कमर्शियल एरिया होने के बावजूद हमारे को कोई राहत नहीं है। सर मेरा नाम अखिल गुप्ता, ऑनर ऑफ एल्पाइन एजेंसीज पहाड़गंज। देखिए पहाड़गंज के अंदर जो व्यापारी आता है पूरे इंडिया से आता है, क्योंकि यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से कनेक्टिविटी है जो कि बहुत आसानी से रीचेबल है, और पहाड़गंज के अंदर सारे होटल्स भी हैं। अगर प्रबंध नहीं है
तो वो है सिर्फ पार्किंग का। पार्किंग की समस्या इतनी ज़्यादा है कि व्यक्ति को ये लगता है कि हम यहाँ पे आएंगे तो हम अपना वाहन को कहाँ पे खड़ा करेंगे, और हम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे पहाड़गंज के अंदर तो हमें कहाँ पे, ना कोई बोर्ड साइनेज है, ना कोई गली का नाम है, ना कुछ भी है, तो इस तरीके की परेशानियाँ आती है। अगर मान लीजिए किसी को गली के अंदर जाके ख़रीदारी करनी हो तो वो अपनी गाड़ी को कम से कम 1 या 2 किलोमीटर आगे खड़ी करके आएगा या पार्किंग ढूंढेगा जिसके अंदर उसका 1 से 1.5 घंटा चला जाएगा। तो ये है कि पार्किंग की समस्या मुख्य समस्या। उसके बाद जो समस्या आती है वो है चोरी की। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर वाहन खड़ी करके अपने पैदल चल रहा है, अपना कैश लेके आ रहा है, तो उसके ऊपर कई बार अटैक भी हो जाता है। जो स्नैचर्स होते हैं, जो जेब कतरे होते हैं, वो भी उनको टारगेट बनाया जाता है। रात के समय तो इधर बहुत अनसेफ माना जाता है कि आप ख़रीदारी करके करने जाएं, अपने मोबाइल को, अपने जो कीमती सामान है वो आप नहीं लेके जा सकते किसी भी तरीके से। बात सर, मेरा नाम मनोज कुमार राठौर है और यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। देखो कितना ये जाम है, ऐसा ही जाम बना रहता है, पूरा ही दिन रहता है। जो आता है मर्जिया जो वहाँ वाहन खड़ा कर देता और चला जाता है। ये पेड़ पौधे के बारे में आपने पूछा तो ये डीबी गुप्ता रोड मेन रोड पे है, इन्हीं पौधों की हम देखभाल करते हैं एसोसिएशन पहाड़गंज प्लाईवुड डीलर टिम्बर एसोसिएशन की तरफ से। वहाँ अब की ये गर्मी हुई थी उसमें कम से कम 2 महीने पानी बिल्कुल नहीं डाला है ठेकेदार ने। वो पानी नहीं डालने के कारण कम से कम 10 बड़े नीम के पौधे, वो कम से कम काफ़ी हाइट ऊँचे हो गए थे, 10 फुट से ज़्यादा हो गए थे, वो सूख गए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Alpine Agencies, we deal for decorative panels and sheets that you need to enhance the beauty of your home and studios. To learn more, you can contact on 7503005724 and visit our site www.alpineagencies.com. Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Capson's Ladder and Dollar Ladder by Lakshmi Hardware. We are the manufacturer and dealer in all type and size of aluminium ladders. You can call us on 9810008755 and 9891543775. Modern MDF since 1980s, we deal in Action Tessa MDF boards suitable for making cards, boxes, etc. To know more, check our site www.modernmdf.com and contact on 9811921192. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आपने सुन लिया क्या कहते हैं एसोसिएशन के प्रधान एवं युवा व्यापारी। आप देखें क्या स्थिति है पहाड़गंज क्षेत्र की। सड़क से गुजरना अपने समय की बर्बादी के साथ साथ जान को जोखिम में डालने के समान है। आप देख सकते हैं इतने व्यस्त मार्केट में भी यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाला, यातायात को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी जिस यातायात पुलिस की है, क्या आपको कहीं नजर आ रहा है। इस संदर्भ में जब क्षेत्रीय निगम पार्षद मनीष चड्ढा से हमारे संवाददाता उपेंद्र कुमार ने बात की तो उन्होंने बताया कि एमसीडी अतिक्रमण ड्राइव चलाती है, कार्रवाई करती है, लेकिन एमसीडी के स्टाफ के जाने के बाद फिर से अतिक्रमण हो जाता है। यह जिम्मेदारी पुलिस की है कि ये अतिक्रमण के खिलाफ ड्राइव चलाने के बाद अतिक्रमण ना हो पाए। इस संबंध में निगम पार्षद मनीष चड्ढा क्या कह रहे हैं, सुने उनका पक्ष। जो हमारा एरिया है पहाड़गंज है, अपना झंडे वालन है, वीडियोकॉन टावर है, मेन समस्या हमारे यहाँ देखो पानी की सीवर की बहुत ज्यादा है। सीवर के कारण गली गली में सारा कूड़ा मतलब गंदा पानी बहता रहता है, लैटरिंग बहती रहती है, जिसके की कारण पब्लिक बहुत परेशान रहती है। ऊपर से पानी नहीं आता, पानी आता है तो गंदा आता है। दिन में 3 बार, महीने में, हफ्ते में 2 बार 3 बार कहते थे पानी के पीछे प्लांट खराब हो गया। तो जनता मतलब बहुत परेशान है इस बारी, पानी से परेशान है। सफाई तो चलो हम करते हैं जैसे करवा रहे हैं,
उसके कारण, लेकिन कर्मचारी हमारे एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी ना भरने के कारण हमारे पास फंड ही नहीं है, फंड नहीं है और काम नहीं है और ना नहीं भर्ती कर रहे हैं कर्मचारियों की। मेंटेनेंस में 3 से 4-5 लोग काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस की कई कंप्लेंट हमें अपनी लेबर लगा के करवानी पड़ती है, क्योंकि जनता को तो काम चाहिए, जनता को नहीं पता चलता कि इन पे फंड नहीं है, इन पे लेबर नहीं है, जनता को कोई लेना देना, जनता को अपना काम चाहिए। आप भी बताओ, मैं अभी भी 3-4 काम है अपने पर्सनल उससे करवा रहा हूँ, 2-3 जगह गली में काम चल रहे हैं रिपेयर के, वो मेरे को करवाने पड़ रहे हैं काम। और क्या है सबसे बड़ी बात, कोई सुनवाई नहीं है। जल बोर्ड वाले कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, काम बोलो तो कहते हैं कर्मचारी नहीं है, आज छुट्टी है, कल परसों छुट्टी, आज छुट्टी पे हो गया अफसर, बड़ी दिक्कत है, मतलब पब्लिक बहुत परेशान है। जो सर्वे किया गया उस सर्वे में ट्रैफिक जाम जो है बड़े से है, तो उसके बारे में जो है नहीं, अतिक्रमण देखो आता है एमसीडी में है, लेकिन एमसीडी क्या अपनी कार्रवाई करके चली जाती है, उसके 2 घंटे बाद वो अतिक्रमण दोबारा हो जाता है। मेरे कहने का मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहता, लेकिन इसके अंदर पुलिस को अपना सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी अतिक्रमण हटाने के लिए, क्योंकि 5 बजे के बाद एमसीडी का स्टाफ नहीं आता, मेन अतिक्रमण 5 बजे के बाद भी रहता है। तो हमने कई जगह ट्रैफिक, मेट्रो का भी कारण है, मेट्रो का काम चल रहा है, एक ही रास्ता खुला था उसके कारण भी जाम चारों तरफ से रहता है, हमें भी मालूम है, लेकिन फिर भी एमसीडी जो हमारे पास आती है अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी कार्रवाई की जाती है, मतलब हफ्ते में 2-3 बार भेज के मैं खुद उठवाता हूँ, लेकिन क्या है ना ऐसे की वैसी पोजीशन दोबारा हो जाती है। आपके निगम क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण अतिक्रमण हो रहा है, उसकी जो है रोकथाम के लिए नहीं, अवैध निर्माण की जानकारी तो मुझे ऐसी नहीं है कोई, जैसे जो है वो मुझे पता है कि जो चल रहे हैं उनके नक्शे पास होते हैं लगभग, बाकी अगर आपके पास है तो मैं आपसे ले लूंगा अवैध निर्माण कौन से हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण बार बार कह रहा हूँ, अतिक्रमण हमारी कार्रवाई पूरी रहती है, इसके अंदर पुलिस का रोल बहुत ज्यादा है, उसको सख्त कार्रवाई पुलिस को करनी बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो अगर वो कह रहे हैं तो मैं उसको चेक करता हूँ, उस पर कार्रवाई करेंगे। व्यापारी किस चरण, मेरे तक भी तो प्रॉब्लम आई नहीं व्यापारियों की, ऐसी कोई तो आएगी तो मैं उसके भी बिल्कुल कार्रवाई करूंगा जी। आपने सुन लिया, आइए अब हम आपको मिलवाते हैं पहाड़गंज के ही एल्यूमिनियम व्यापारियों की एसोसिएशन के प्रधान जी के अग्रवाल, उप प्रधान सज्जन शर्मा और ट्रेजरर संजय मित्तल एवं अन्य व्यापारियों से। तकरीबन 300-400 दुकानें एल्यूमिनियम एसोसिएशन के अंतर्गत आती है। मैं इसका प्रेसिडेंट जी के अग्रवाल, एल्युमिनियम एसोसिएशन फॉर दिल्ली। ये एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ रेजिडेंशियल कम शॉप की दुकानें ज़्यादा है, रेजिडेंशियल भी है, पार्किंग की समस्याएं सबसे ज़्यादा भयंकर पार्किंग समस्याएं हैं। यहाँ पार्किंग की वजह से कोई कस्टमर माल लेने के लिए आता नहीं है, अपनी व्हीकल गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, अगर कोई कस्टमर आता है तो उसकी गाड़ी, इतनी भीड़ भड़ाका एरिया है, लोगों ने इतनी क्रोचमेंट कर रखी है, सड़कें जाम रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर आता नहीं है, आने के बाद वो परेशान हो जाता है, तो इसे व्यापार काफ़ी प्रभावित हो रहा है। सरकार को इस समस्या पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सड़कों की हालात इतनी खस्ता है, सब टूटी फूटी रोडें हैं, लोगों ने जाम कर रखी है, तो व्यापार करने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करता है व्यापारी भाइयों को। हमारे व्यापारी गण सदस्य भाई मेन रोड डीबी गुप्ता रोड पे भी काम करते हैं, और ये चूना मंडी मुल्तान डांडा के एरिया में व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर काम कर रहे हैं, लेकिन समस्याएँ इतनी ज़्यादा है, पैदल आदमी चलना भी मुश्किल है, किसी का पर्स छिना झपटी हो जाता है, कस्टमर आता है माल लेने के लिए, पता लगता है उसका पर्स भी निकल गया। तो ये हालात इस क्षेत्र की है, ये सेंट्रल दिल्ली के अंतर्गत आता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी अवेलेबिलिटी है नहीं। मैं सज्जन शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन फॉर दिल्ली। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जो भी कस्टमर बाहर से आता है, यहाँ पे इतने चर्सी स्वेके पॉकेट मार ये सब हैं, तो पीछे लग जाते हैं, उनको जब पता चल जाता है ना कि व्यापारी है बाहर से आया है, उसके पीछे लग जाते हैं, उनके पॉकेट काटना, उनका फ़ोन छीनना, सुबह से शाम तक ये काम बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बारे में मैं पुलिस वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़रा इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। दूसरा, हमारा ये पहाड़गंज चौराया बहुत बड़ा चौराया है, इसके ऊपर ट्रैफिक की इतनी अव्यवस्था है कि पूछो मत, दिन भर विदाउट हेलमेट वाले इधर से उधर, ये रेड लाइट पूरी तरह से क्रॉसिंग चेंज करते हैं, दौड़ते हैं, बच्चे बैलगाड़ियाँ सब रॉन्ग साइड चलते हैं, तो इनसे भी निजात दिलाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मित्तल है, काशनी ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड से, मैं एल्युमिनियम एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। क्या है पार्किंग की, जो मार्केट के अंदर पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं लोगों को, कोई भी व्यापारी आने में असमर्थ है, कस्टमर हमेशा अवॉइड करता है यहाँ पे आने के चक्कर में, भीड़ बहुत है और रश की वजह से ना तो आ पाता ना कर पाता। शाम का इधर 8 बजे के बाद बहुत ज़्यादा
तकलीफ वाला विषय है कि आप कोई भी काम करते हैं तो सेफ नहीं है। चोरी चकारी, फोन छीन के भागना और काम करना बहुत ज़्यादा है, जिससे आगे हर आदमी जल्दी से आके बाहर नहीं निकल पाता। ये है कि फिर भी एक सुचारू रूप से चलने वाली चीज व्यवस्था होती है, नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप कभी भी आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपको 100% श्योर है कि आपके साथ मिसहैपनिंग होनी होनी है। अगर कोई अननोन आदमी आता है तो उसकी जेब कटनी ही कटनी है। इसको रोकना और करना बहुत जरूरी चाहिए हमारे हिसाब से। तो मेरा नाम चेतन चावला है, एसी मेटल्स मेरी शॉप का नाम है। समस्या तो यही है कि रात में थोड़ी सेफ्टी कम हो जाती है, यहाँ पर दिन में भी थोड़ा सा एरिया वाइज ज़्यादा दिक्कत तो आई नहीं है वैसे, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर देखो चोरी चकारी तो बहुत ज़्यादा होती है, दिन में भी कई बार लूटपाट होती रहती है, थोड़ी मोटी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो हम कर रहे हैं जैसा भी है चल रहा है। एक समस्या नहीं है बल्कि समस्याओं का अंबार है। पहाड़गंज के किसी भी व्यापारी, कोई भी व्यापारी भाई है, खुद आता है या कोई क्लाइंट आता है, पार्किंग की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, एक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, सेफ्टी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज कोई भी पार्टी आती है उसके हाथ में मोबाइल है, वो कब उसके मोबाइल में वापस जाएगा नहीं जाएगा उसे नहीं पता, बात करते करते जा रहा है कौन छीन के ले आएगा कुछ नहीं पता, उसकी जेब कब कट जाएगी उसे नहीं पता। यहाँ तक कि लोग आते हैं उससे जान के टकराते हैं झगड़ा करने के मूड से, दो लोग आके पीछे से जेब काट करके चले जाते हैं। पहाड़गंज की समस्या पर व्यापारिक संगठन एवं निगम पार्षद के विचार को आपने सुना और आपने जाना किस गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है। इस मुद्दे पर हमारे प्रतिनिधि आयुष्मान झा ने विधायक विशेष रवि से जब बात की तो आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम मीडिया टीम को क्या कहा, आप खुद सुने। जनता का इतना प्यार मिला तो आप अपने तीन बारी के कार्यालय में आपने क्या क्या काम किया उस पर? देखिए काम की हम बात करें तो काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है वो बड़ा कमर्शियल एरिया है। कमर्शियल एरिया होने की वजह से, बहुत सारी मार्केट होने की वजह से, बड़ी बड़ी मार्केट, होलसेल रिटेल की मार्केट होने की वजह से हमारे क्षेत्र पे लोड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से सीवर सिस्टम पे, पानी के सिस्टम पे, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर जो है लोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं वो तो है ही, उसके अलावा हजारों लाखों लोगों का डेली का अप डाउन भी यहाँ पर है, तो लोड बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने जो बेसिक चीजें हैं जैसे पानी है, सीवर है, सड़क है, उस पे जो है बहुत ज्यादा फोकस देके जो है काम किया है, और करोबाग की जो ब्यूटिफिकेशन है उसको लेके हमने काम किया है, और जो रोजमर्रा की जो आम लोगों की समस्या है। आपकी के विधायक क्षेत्र में आता है पहाड़गंज, जहाँ के व्यापारी इस चीज से बहुत परेशान है अतिक्रमण के कारण। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में साइकिल पाथ बनाया गया दोनों रोड की तरफ, वहाँ पे अतिक्रमण के कारण रोड में जाम लग रहा है, आधा किलोमीटर एक किलोमीटर के ट्रैफिक को भी क्लियर होने में आधा से एक घंटा लग रहा है, जो अजमेरी गेट से पहाड़गंज की तरफ बढ़ता है। इसको रोकने के लिए आपने क्या रोकथाम की योजना बनाई है? मेन समस्या तो यही है कि पहाड़गंज के पास अपनी पार्किंग नहीं है, और जिसको लेके हम बहुत लंबे समय से जो है प्रयास कर रहे हैं। पहाड़गंज थाने के सामने जो है एक पार्किंग एरिया है, उसको आरजी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वहां पर हमने मल्टी स्पेशलिस्ट पार्किंग लाने का जो है ना वो जो है एक प्रस्ताव जो है वो बना के भेजा था एलडी साहब को और डीडीए को, वाइस चेयरमैन साहब को, लेकिन उस पर कुछ खास हो नहीं पाया। पिछले काफी लंबे समय से हम प्रयास कर रहे हैं, तो पार्किंग की समस्या ना होने से दिक्कत तो है, क्योंकि जो व्यापारी वहाँ पर आता है शॉपिंग करने के लिए, सेल परचेज करने के लिए, तो उसको जो है गाड़ी पार्क करने जगह मिलती नहीं है, फिर वो यहाँ वहाँ गाड़ी पार्क करता है, तो ये एक समस्या तो है, और इसको हम काफी लंबे समय से जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डीडीए जो है वो जो है भारत सरकार के अंदर आता है, तो हमने पिछली जो एमपी थी उनको भी दरखास्त की थी, अब जो नई एमपी आई है हमने सोचा है कि उनको भी दरखास्त करेंगे कि वो इसमें जो है कुछ सहायता करें, और जो पार्किंग बनाने की व्यवस्था है, मल्टीपर्पज पार्किंग बनाने की व्यवस्था है, उसमें जो है वो कुछ सहयोग करें, तो एक जो है बड़ा काम हो सकता है। बालीनगर मार्केट की समस्याओं पर सकारात्मक मीडिया टीम ने एसोसिएशन के आग्रह पर जब विशेष रिपोर्ट चलाया था, उसके 3 घंटे के अंदर बालीनगर निवासियों की समस्या का समाधान निगम द्वारा कर दिया गया था। अब पहाड़गंज की समस्याओं पर यह एपिसोड आपके सामने है, देखते हैं कि पहाड़गंज की इस गंभीर समस्या पर निगम पार्षद, विधायक, क्षेत्रीय पुलिस, एमसीडी एवं संबंधित विभाग क्या कार्रवाई करते हैं, ताकि व्यापारियों और आम नागरिकों को इन गंभीर समस्याओं से निजात मिल सके। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।